झारखंड लोकसभा सीट बिहार के सभी लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से विश्व भर में प्रसिद्ध नेता और गरीबों के मसीहा माने जाने वाले श्री लालू प्रसाद यादव यहां से लगातार कई बार जीतते आ रहे हैं। पहली बार 1977 में छपरा लोकसभा सीट से 29 वर्ष की आयु में जीतकर जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद थे लालू यादव। तब से लगातार यहां से जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सांसद रहते हुए वे कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री भी बने और रेल मंत्री रहते सारण के लिए अनेकों विकास के काम किए, लेकिन 2014 के चुनाव में चारा घोटाले में सजायबता होने के कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी रावड़ी देवी को राजद के लिए टिकट से लड़ाया, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में राजद का टिकट लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय को मिला। चंद्रिका राय भी इस सीट को बचाने में नाकामयाब रहे और यहां से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव जीत गए। लेकिन 2024 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में ऐसी हलचल है कि इस बार सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव की फतेह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव मैदान में आ रही हैं। और अगर सच में ऐसा होता है तो यह लोगों का मानना है कि राजश्री यादव की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि तत्कालीन सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के कार्यों से लोग काफी नाराज हैं और नीतीश कुमार के साथ आ जाने से महागठबंधन भी मजबूत हुआ है।